हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हाउस प्लान, जो आप 29x60, 29x65, 30x60, 30x65 इसके सिमिलर साइजेस में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो ये बना हुआ है 29.5x1, इसकी डायमेंशन 63.5 है, 62 फुट 8 इंच है, तो आप इसके लगभग साइजेस में बना सकते हैं। तो आइए एक बार मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस प्लान में आपको मिलने वाला है 2 बेडरूम, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, एक काफ़ी बड़ी किचन, कार पार्किंग के लिए पोर्च, डुप्लेक्स हाउस प्लान है, स्टेयर केस अंदर से दिया गया है, पूजा रूम, स्टोर रूम, 2 अटैच टॉयलेट, और इसमें एक ऑप्शन भी है, अगर आप कॉमन टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो बाहर की तरफ गेस्ट के लिए बना सकते हैं। काफ़ी बड़ी लॉबी मिलती है, रियर ओपन मिलता है। तो दोस्तों, कॉलम पोजिशनिंग भी हमने इसमें दिखाई है, और ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे हमने हर तरह की डायमेंशन लिख के इसको बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस प्लान को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सामने हाउस प्लान है, जैसे कि मैंने बताया इसकी सारी डायमेंशन जो है वो थोड़ी अलग अलग है। फ्रंट और रियर 29.5 फुट है, इस साइड में आप देख सकते हैं 62 फुट 8 इंच है, दूसरी साइड में 63 फुट 5 इंच है। तो आप इसको लगभग इन्हीं साइजेस के आसपास के साइजेस में आप बना सकते हैं। अगर आप 30x65 है, 30x60 है, तो भी इजीली इस प्लान को आप एज अ टिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से अंदर आते हैं, 10 फुट वाइड मेन गेट दिया है, फ्रंट में 6 फुट ओपन छोड़ा गया है, प्रोजेक्शन लिया गया है बेडरूम के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 फुट 3 इंच बाय 14 फुट का एक कार पोर्च है, इसको हमारे पास ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ड्राइंग रूम में एक एंट्री यहाँ से है, डी लिखा है, यहीं पर आपका 12x16 फुट 3 इंच का काफ़ी बड़ा आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल रहा है, जिसकी विंडो हमने इधर प्रोजेक्शन की तरफ लगाई है। ये ओपन एरिया है, ये हमारी बाउंड्री वॉल है, जो केवल 5 फुट की हाइट तक ही चलाई जाएगी, उसके ऊपर सब ओपन रहेगा। तो इसकी विंडो ड्राइंग रूम की इधर ही तरफ लगाई गई है, ये 6 फुट ओपन छोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ पे यूटिलिटी के लिए छोड़ा गया है, फ्रंट लॉन बना सकते हैं आप, इसमें 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कॉमन टॉयलेट का ऑप्शन आप चाहें तो ड्राइंग रूम से एक छोटे टॉयलेट को यहाँ अटैच कर सकते हैं, जो गेस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में एक एंट्री बाहर से, एक लॉबी की तरफ से, लॉबी की तरफ से ओपन है, हमने इसमें आर्च लिखा है, आर्च का मतलब होता है ओपन, एक सर्कल बना देते हैं दरवाजे की जगह, तो वो है यहाँ पर। तो 12x16x3 इंच का काफ़ी बड़ा आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल रहा है, ये डी लिखा है। यहाँ से अंदर आते हैं, एक पैसेज है, 4x9 इंच वाइड एक पैसेज है, अंदर आने के लिए पैसेज मिलता है। किसी के जस्ट बगल में 10.5x12 फुट की काफ़ी बढ़िया साइज की आपको किचन मिल रही है, विंडो इसकी पोर्च की तरफ लगाई गई है, किचन से ही एक एंट्री दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ ओपन लिखा है, हालांकि आप इसे एज अ किचन स्टोर का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन की एंट्री लॉबी से है, D1 लिखा है, देख सकते हैं किचन की ये डोर है। इसी के जस्ट बगल में 4.5x4.5 का एक पूजा रूम दिया गया है, जिसको हम लॉबी से ही यूज़ करेंगे, सामने से ही इसकी एंट्री है। दोस्तों, इस पैसेज से हम लॉबी में आते हैं, 17 फुट 1.5 इंच बाय 15 फुट 3 इंच काफ़ी बड़ी आपको इसमें लॉबी मिलती है, और आप देख सकते हैं कि ये पीछे वाली बेडरूम की वॉल, साइड की वॉल आपको क्लियर मिल रही है। तो सोफा वगैरह लगा सकते हैं, टीवी कंसोल आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, एज अ डाइनिंग एरिया इस्तेमाल करने के बाद भी लॉबी में इतनी जगह बचती है कि आप अच्छे से इसमें सोफा वगैरह सेंटर में लगा सकते हैं या एक कॉर्नर पर लगा सकते हैं। यहीं से स्टेयर केस दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, यहाँ से स्टेयर केस है, अप लिखा है, 7 फुट वाइड ये स्टेयर केस है और 3.25 फुट वाइड इसके स्टेप्स रहेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पर हम यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राइंग रूम में एक आर्च दी गई है, तो मतलब खुला है। तो 15 फुट की एक लॉबी मिल रही है, उसके बाद 16 फुट 3 इंच इतना बड़ा आपको स्पेस मिल रहा है, क्योंकि बीच में डोर नहीं है, तो कोई भी बड़ा फैमिली फंक्शन करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। 15 ये 16 ये 31 फुट हो जाता है आपका, 31 फुट 6 इंच का लंबा स्पेस मिलता है आपको। यहाँ पर आगे आते हैं, पीछे 2 बेडरूम दिए गए हैं, इस बेडरूम को देखते हैं, 15 फुट 7.5 इंच बाय 11 फुट का काफ़ी बड़ा बेडरूम मिल रहा है, और इसमें हमने एक स्टोर रूम को भी अटैच किया है। चाहिए तो आप इसको ड्रेस बना सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिलता है इसमें। इसी बेडरूम के साथ पीछे एक 7x6.9 इंच वाइड एक टॉयलेट को हमने इसमें अटैच किया है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्लॉट का साइज 30x60 है, तब भी आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, पीछे से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 फुट अगर हम पीछे से घटा देते हैं, तब भी आपको 7x5.6 फुट का एक काफ़ी बड़ा टॉयलेट मिलता है।
रूम से अटैच है टॉयलेट की एंट्री यहाँ पर है, वेंटिलेटर इसका इधर लगा ये ओपन एरिया है 14 फुट 3 इंच वाइड देख सकते हैं, ये पूरा एरिया ओपन है, एज अ वॉशिंग स्पेस भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि हमने डोर तो इसमें बेडरूम से ही दिया है, बट आप चाहें तो इधर ओपन की तरफ से डोर दे सकते हैं, तब आपकी ये जो वॉल है वो क्लियर आपको मिल जाएगी। बेडरूम की विंडो यहीं लगाई गई है D/W देख सकते हैं आपको, यहाँ पर इसका डोर है ओपन में जाने के लिए, आप चाहें तो पीछे का एरिया एज अ वॉशिंग स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉश बेसिन लगा सकते हैं वहाँ पर, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या एज अ स्टोर रूम भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपका जाल रहेगा और जाल एक्चुअली फाइबर ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट से कवर्ड होता है, तो आप कुछ सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा बेडरूम इसी के बगल में है, 12x15 फुट 4.5 इंच का ये बेडरूम है और ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है, इसके साथ भी 6x7.5 फुट के टॉयलेट को अटैच किया गया है। टॉयलेट की एंट्री अंदर से ही है जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शनल है, आप बाहर से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसका वेंटिलेटर भी ओपन की तरफ लगाया गया है। इस रूम से पीछे जाने के लिए एंट्री नहीं दी गई है, बट आप चाहें तो इसमें एक डोर लगा सकते हैं पीछे जाने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये इस साइज़ में आपको 29x60 फुट में या 29x65 फुट में कितना बढ़िया हाउस प्लान मिल रहा है, डुप्लेक्स हाउस प्लान मिल रहा है। कार पार्किंग के लिए भी स्पेस है, 15 फुट वाइड है, आप चाहें तो डबल कार पार्किंग भी इसको बना सकते हैं। किचन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको या फिर पूजा रूम को शिफ्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर डबल कार पार्किंग का स्पेस भी बना सकते हैं। फ्रंट में हमने 6 फुट छोड़ा है, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा छोड़ सकते हैं या चाहें तो थोड़ा कम छोड़ सकते हैं। ड्राइंग रूम को बढ़ाने का भी ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर। कॉलम पोजीशनिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली ये कॉलम लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ इनके बीम आने हैं कॉलम पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसका फर्स्ट फ्लोर बनाने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी फैमिली ऑलमोस्ट जल्दी से किसी होती नहीं है, बट इन केस अगर ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं या मकान के जो फ्रंट एलिवेशन के लिए अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे केवल आगे का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप ये बना सकते हैं कि हमने ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर केवल ड्राइंग रूम के सामने आप ये देख सकते हैं डॉटेड लाइन है, जहाँ से बिल्कुल सीधा कर सकते हैं या फिर पोर्च में कटिंग लगा सकते हैं या फिर पोर्च के ऊपर सिट आउट के लिए स्पेस बना सकते हैं कि कोई भी इस पैसेज के थ्रू आके उस सिट आउट पर बैठ सकता है। तो फ्रंट एलिवेशन भी इसका बहुत ही अच्छा बन के आने वाला है, जैसा आप चाहें वैसा बन के आएगा, सिट आउट के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा और उसकी आप डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हैं। स्टेयर गेट पीछे है, इसका यहाँ पर यही एडवांटेज मिलता है आपको, फ्रंट एलिवेशन कैसा भी बनवा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका फ्रंट एलिवेशन बन के आने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्लान आप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और बहुत पसंद भी आया होगा, बट इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर आपके प्लॉट का साइज़ डिफरेंट है या कुछ आप चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं, हमें कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्लॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान आपके लिए बनाकर लाएंगे, वो भी बहुत ही कम रेट से, बहुत ही उचित दरों पर, बिल्कुल आपकी पसंद का हाउस प्लान बनाकर लाएंगे। इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।